सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आरजेडी सांसद मनोज झा का वो कविता जिसके चलते सियासी बवाल मचा हुआ है, सुनिए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। सुना आपने, आरजेडी सांसद मनोज झा का यही वो कविता है जिसके चलते सियासत गर्मा गई है। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के दौरान कुआं ठाकुर का पढ़ने पर आरजेडी सांसद मनोज झा विवादों में घिर गए हैं। आरजेडी के भीतर ही मनोज झा का विरोध शुरू हो गया है। आरजेडी विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ने मनोज झा की जिहुआ खींच लेने की भी बात कही है। शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने भी मनोज झा पर निशाना साधा है। आनंद मोहन ने कहा कि समाजवाद के नाम पर किसी एक जाति को लक्ष्य करना गलत है। ठाकुर समाज सभी को साथ लेकर चलता है। हम सदन में होते तो मनोज झा को ऐसा बोलने नहीं देते। वहीं दूसरी ओर चेतन आनंद ने मनोज झा को भी अपने स्टाइल से टाइटल हटाने की चुनौती दी। आरजेडी के साथ बीजेपी भी मनोज झा पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के विधायक नीरज बबलू ने कहा कि सदन में अगर मेरे सामने राजपूत समाज का कोई अपमान करता तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देता। बबलू ने आरजेडी के ए टू जेड पॉलिटिक्स पर भी सवाल खड़ा कर दिया। 5 दिनों तक जारी सियासी घमासान में आखिरकार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कूदे। लालू यादव ने मनोज झा का समर्थन करते हुए कहा कि उनके बयान से किसी समाज का अपमान नहीं हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो ने मनोज झा को विद्वान बताया। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात को बोले सर। कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। जो सज्जन इलेक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में सीएम के लिए सर में वो परहेज करना चाहिए सब बात बोलने। हालांकि मनोज झा के बयान पर ललन सिंह ने भी कहा कि भाजपा का काम समाज में तनाव पैदा करना और भावनाएं भड़का कर वोट लेना है। भारतीय जनता पार्टी कनफुसिया पार्टी है, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कनफुसकी करना। मनोज झा ने राज्यसभा में जो कहा वो किसी जाति विशेष को लक्ष्य करके नहीं कहा, इसका प्रमाण राज्यसभा की कार्रवाई है। जो राज्यसभा का प्रोसीडिंग है उसको देखना चाहिए। आरजेडी के सांसद श्री मनोज झा जी ने जो बयान जिस पर विवाद है वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा है, कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर हैं, तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो है, तो उन्होंने तो कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फ्यूज की करना। अब रोज चलता रहता है ये गोदी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया में रोज चलता रहता है। क्या चलता है गोदी मीडिया में कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत नज़दीकी बढ़ रही है। अरे देखिए बढ़ रहे, तो सलाहकार है आप। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि राज्यसभा में मेरे साथी संसद में मनोज झा की कविता को लेकर कोई विवाद ना किया जाए। कविता में ठाकुर उन्होंने खुद को बोला है। मनोज झा एक नेक इंसान है, कभी किसी समाज के खिलाफ दुर्भावना से नहीं बोल सकते। उनकी द्वारा पढ़ी गई कविता, अनावश्यक विवाद करना उचित नहीं है। यही नहीं, पप्पू यादव भी इस मामले में
मनोज झा का ही पक्ष लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मनोज झा ने कुछ गलत नहीं कहा। वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने कहा कि मनोज झा संसद में कुछ भी गलत उन्होंने नहीं कहा, जो लोग इसे तूल देने में जुटे हैं वो जातीय ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इसे ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। पार्टी के नीतिगत मामलों पर बोलने के लिए लालू यादव और तेजस्वी अधिकृत हैं, लेकिन 5 दिन बाद लालू ने इस पर बयान दिया, वो भी सिर्फ एक लाइन का। ए टू जेड की बात करने वाले तेजस्वी अब तक इस पर चुप है। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हुआ है, देखना यही होगा कि कहां जाकर विराम लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।